यीशु ही वादा कियो मसीह च। जब पिता परमेश्वर दुनिया ते बनाई तो सब कुछ अच्छो छो, कोई पाप नहीं छो। आदम और हवा एक दूसरा बेटी प्रेम करदा छा और ऊ पिता परमेश्वर बेटी प्रेम करदा छा। कोई बीमारी और मौत नहीं छे। पिता परमेश्वर इन्नी दुनिया ते चान छो। शैतान और गुरु का द्वारा बगीचा में हवा का दगड़ बात कहरी किले के ऊ वहीं ते धोखा देन चान छो। तब हवा और आदमल पिता परमेश्वर का विरुद्ध में पाप कहरी किले की ऊल पाप कहर छो। इले धरती पर रहने वाला सभी चीज मर जान। किले की आदम और हवल पाप कहर छो। इले कुछ और भी ज्यादा बुर हुए। ऊ पिता परमेश्वर का दुश्मन बन गिन ज्या का बदला तब बटी हर एक आदिम पाप कनु छ। हर एक आदिम जन्म का बगत बटी ही पिता परमेश्वर को दुश्मन छ। पिता परमेश्वर और लोगों का बीच में शांति नहीं छे। पर फिर भी पिता परमेश्वर शांति चाहन छो। पिता परमेश्वर एक वादा कह छो कि हवा को एक वंश शैतान का मुंड ते कुचल दियालो। वेल यू भी बोली कि शैतान वी की एड़ ते डसुलो। दूसरा शब्दों में शैतान ते मैल डलुल। पर पिता परमेश्वर वे ते फिर से जूंत कह दियालो। यहाँ का बाद मसीह शैतान की ताकत ते हमेशा को खत्म कर दियालो। कुछ सालों का बाद पिता परमेश्वर यू प्रकट कर दीन कि ओ मसीह यीशु चु। पिता परमेश्वर वी बाढ़ बेटी अपने परिवार ते बचाई जैते ऊ लाण वाल छो। नू बेटी एक नाव ते बनाने को बुलेगे और पिता परमेश्वर ऊ लुको ते बचाई जुए पर विश्वास करदा छा। इनके ही ऊ सभी का सभी पिता परमेश्वर का द्वारा मरे जाने का योग्य छा। किले कि ऊ पाप कर छो। पर पिता परमेश्वर ऊ सभी ते बचाने को यीशु ते भेजी जुए पर विश्वास करदा छा। कई सालों तक याजक पिता परमेश्वर को बलिदान चढ़ाना रहनी। यू बता दो कि लुखुल पाप कैरी और यू कि ओ पिता परमेश्वर का द्वारा ऊते दंड दिए जाने का योग्य छा। पर ओ बलिदान ऊका पाप उते माफ नहीं कर सकद। यीशु ही सबसे बड़ो महायाजक छ। वे लू कैरी जो कोई याजक नहीं कर सकद। वे लू एकमात्र बलिदान होने को अपते दे दीन जो हर कै का पापों ते मिटा सकद। वे स्वीकार कैरी कि पिता परमेश्वर उन सभी पापों को वे ते दंड दियो। इले यीशु सिद्ध महायाजक छो। पिता परमेश्वर अब्राहम बेटी बोली मैं तेरा द्वारा दुनिया का सभी कुलों ते आशीष दियो लो। यीशु यही अब्राहम को वंशज छो। पिता परमेश्वर अब्राहम का माध्यम बेटी सभी कुलों ते आशीष दिया लो। किले की जो यीशु पर विश्वास कर दिन पिता परमेश्वर उन सभियों ते पाप बटी बचांद। जब यु लोग यीशु पर विश्वास करद तो पिता परमेश्वर ऊ ते अब्राहम को वंशज मानद। पिता परमेश्वर अब्राहम बटी बोली कि वो अपना इकलौता नौना ते बलिदान कर दे। पर फिर पिता परमेश्वर इसहाक का बदला में बलिखनु को एक चिन्ह खुदे। हम सभी अपना पापों को मरे जाने का लायक छा। पर पिता परमेश्वर हमारी जगह पर मुरुण को यीशु ते बलिदान का रूप में दे। इले हम यीशु ते पिता परमेश्वर को चिन्ह बोल दें। जब पिता परमेश्वर मिस्र पर आखिरी विपत्ति भेजी तब वेल हरेक इजरायली परिवार बेटी बोली कि वो एक चिन्ह की बलि कहरा। वे चिन्ह में कोई भी दोष नहीं होना चाहो। तब अपना दरवाजा की चौखट का मथी और अगल बगल में ऊते वे को लुएते लगान होल। जब पिता परमेश्वर वे लुएते देखी तो ऊ घरों ते छोड़ के अग्नि चल गए और ऊ का पहला नौनों ते निमार। जब यू वे तो पिता परमेश्वर ये ते फसल को त्योहार बोल। यीशु त्योहार का एक चिन्ह का जंच। वेल कभी भी पाप नहीं कहरी। इले वे मां कुछ भी गलत नहीं च। ऊ त्योहार का ही बगत पर ही मुर। जब कोई यीशु पर विश्वास कर दो तब यीशु को लुए वे आदिम का पापों की कीमत चुका दो। यु इंच जन की पिता परमेश्वर वे आदिम में बटी अग्नि चल गई किले की ऊ वे ते दंड नि दींद। पिता परमेश्वर इजरायली लुखू का दगड़ी एक वादा कहरी किले की ऊ इन लोग छा जो ते पिता परमेश्वर अपना लोग होने को चुन छो। पर अब पिता परमेश्वर एक किन वादा ते कहरी जो कि सभी कुछ जो कै भी जाति को
कोई भी आदिम ये नया वादते स्वीकार कर दो तो वो पिता परमेश्वर का लुख में शामिल हो जान। वो इन इले कर दो किले कि वो यीशु पर विश्वास कर। मूसा एक इन भविष्यवक्ता छो जेल पिता परमेश्वर का वचन ते बड़ी सामर्थ का दगड़ी प्रचार कर छो, पर यीशु सभी भविष्यवक्ताओं में सबसे बड़ छो। वो परमेश्वर च इले जो कुछ भी वेल कैरी और बोली वो परमेश्वर का काम और वचन छा। इले पवित्र शास्त्र यीशु ते पिता परमेश्वर को वचन बुल्द। पिता परमेश्वर राजा दाऊद बेटी वादा कैर छो कि राजा का रूप में वे को एक वंशज पिता परमेश्वर का लुखों पर हमेशा को राज्य कर लो। यीशु पिता परमेश्वर को नौनू और मसीह छ। इले वो राजा दाऊद को वंशज जो हमेशा को राज्य कर सको छ। दाऊद तो इजराइल को राजा छो, पर यीशु सारी दुनिया को राजा छ। वो फिर से आलो और हमेशा को न्याय और शांति का दगड़ी अपना राज्य पर शासन करू। उत्पत्ति 1:3, 6, 14, 22, निर्गमन 12:20, दूसर सैमुअल 7, इब्रानियों 3:1-6, 4:5-14, 10:7-8, 13:9-10-11, 18, प्रकाशित वाक्य 21:1 बाइबल की कथा।